हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबके जहाँ में आप सबका स्वागत है। तो अभी है सहरी टाइम और देखो रेहान कितनी नींद में है। एक्चुअली मैं भी नींद में थी इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ सहरी में शूट नहीं किया है और ये बस खाता जा रहा है सहरी में आग बंद करके। हम लोग ने पहले आज फ्रूट्स खाए क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। जागो मोहन प्यारे, फजर की नमाज हो गई है और अभी मैं सोने लगी हूँ और ये हो गया है दिन और मैं थोड़ा सा रोई थी। उसके बाद अभी जोहर टाइम हो गया है, जोहर की नमाज हो गई है, पारा चल रहा है मेरा 11th, रिजा भी यहाँ पे पढ़ रही है। नमाज के बाद मैंने फिर पढ़ा, पढ़ के बहुत ज्यादा सुकून आता है। रिजा ध्यान को जगाओ और आज तुम दोनों सामान ले जाओ, ऐसे आज मैं पढ़ रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबके जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआ के वजह से हम सब एकदम ठीक है। मैं सोच रही थी आज मैं सुबह ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं बनाया है तो सोचा आज ही अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये दोनों भी अभी रेडी हो गए। अभी से ईदी दे रही हूँ, फ्रूट्स। शाम का वक्त आ गया, हम लोग रोज बाहर जाते हैं, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तो आज मैं इन लोगों को दे रही हूँ पैसे। तुम लोग भी जिम्मेदारी संभालो और जो चीजें हैं वो लेके आओ। देखो यही तो जिम्मेदारी है। और एक चैलेंज भी दे रही हूँ तुम्हें, क्या 10 के 2 नींबू लेके आने। 10 के 2 वो मेरी, सब्जी वाले से ना कहीं से भी भैया 15 का 1 दे दे, 10 के 2 कहाँ से देंगे। अब ये तो चैलेंज है, घर वालों से पूछ लो क्या क्या लेके आना। अपने सेब नहीं है और तरबूज नहीं है, लिस्ट बना लेंगे। उनको चैलेंज भी दिया है कि 10 के 2 नींबू ला के दिखाओ आज, मिलेंगे। अब यही तो उनका चैलेंज है। आवा बोल रही हूँ, उनको 2 तरबूज चाहिए। ध्यान और पूछ के आओ, नाशपाती केले इतने पैसों में आ जाएगा। हाँ कितने, 1000 ना। हाँ राजा, जो भी करना, 5:30 हो रहा है, इफ्तार से पहले आ जाना। लस्सी लस्सी 500 और दे दिया, ठीक है। अम्मी की फरमाइश है तुम्हारी की लस्सी भी लेके आना। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट। तुम क्या? नहीं ना, उनको जिम्मेदारी दी है। संतोष भैया के साथ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सीखना चाहिए ना। तो असर का टाइम हो गया, उसके बाद मैंने दुकान से मंगाया चावल का आटा क्योंकि आज हम बना रहे थे कांदा भजिया, मुंबई का बहुत ही ज्यादा फेमस, प्याज का पकौड़ा। और उसके लिए प्याज ऐसी करनी थी, अजवाइन डालनी थी उसमें, और साथ में आप सबने कहा था कि कुछ भी बेसन का बनाओ, चावल का आटा डालो, क्रिस्पी बनता है। तो सारे मसाले डाल लिए हैं और बेसन कुछ इस तरह डालना था, बैटर कुछ इस तरह बना था, पता नहीं सही था या नहीं था। तो देखिए हमारे कांदा भजिया जो है वो तैयार है, लेकिन एग्जैक्टली वैसे नहीं है। 20 के 4 नहीं मिले, 10 के 2 ले आई, 10 के 2 और 20 के 4 वो हाई टाइप के थे, 50। तो उन्होंने 5 का 1 नहीं दिया होगा, उनको बार्गेनिंग की और उन्होंने बस बोला ले लो 20 के 4। नहीं उनसे बोला ना कि भैया, संतोष भैया ने बोला भैया लगाओ 10 के 2। संतोष भैया का नहीं, तुम हार गए। चलो अरे ऐसे कैसे हार गए, तुमको हम लोगों ने की लगाने के लिए रेडी नहीं था। हम लोगों ने कब का हाथ तक, तो हम लोगों ने 15 दुकानें बदली। कितने पैसे बचा के लाए? 750। 30 मिनट तो हमें घूमने में लगा, हर दुकान में जाके पूछे भैया दो 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 दो, नहीं देने के लिए। क्या बोल रहे थे? बोले नहीं, 30 का 3 लो या 30 का 2 लो, 50 के 4 लो, बहुत महंगे नींबू है, नहीं दे सकते कोई। तो ये था आज इफ्तार में, ज्यादा फ्राइड नहीं था, बस मैंने कांदा भजिया बनाया था। पापा भी आके बैठ गए, भाई भाभी गए थे शूट पे तो आज वो लोग नहीं हैं, हम सब ही हैं और सब इस तरह बैठे हैं अजान का इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई, फिर भाई ने कॉल करके बताया कि अजान हो गई है, फिर हम सब ने रोज़ा खोल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये थे मेरे भजिए जो कि सॉफ्ट हो गए थे। और उसके बाद अभी मैं पढ़ रही हूँ मगरिब की नमाज़, और अभी मगरिब की नमाज़ भी हो गई है और इफ्तार की बाद की चाय, और उसके बाद डायरेक्ट हम जम कर गए डिनर में। आज ज़्यादा कुछ शूट करने का मन नहीं कर रहा था पता नहीं क्यों, और डिनर में थी मसूर की दाल चावल। वैसे गन्ने की तरह क्यों खा रहे हो? ये बनती है दाल में, आलू में, मसाले में बनती है, तो हम मसाले में दाल में नहीं खाते, हम इनको उबाल के ऐसे खा लेते हैं। अच्छा, ऐसे गन्ने की तरह चूस रही हो तुम भी ना? ऐसे तो चूसी जाती है। 10 बज गया है, डिनर हो गया है, और क्या हुआ आज? ये दोनों ना चैलेंज भी हार के आ गए। खाओ कौन से तुम 10 के? है किधर नींबू? आज ऐसे खा रहे काट के नहीं खा। देसी स्टाइल। अम्मा तुम भी खा लो। काट के नहीं खा। ला बेटी वाला कह रही है नींबू है, क्या लेके आई हो? तो बोलते कि भैया ये क्या दे रहे हो? हाँ, तो जो नींबू था नॉर्मल वाला भी 15 का 1 15 से नीचे आ ही नहीं रहे थे। तो तुम बेसिकली शर्त हार के आई हो चैलेंज। लेके तो आए तो रान साइज तो देखो। बात ये थी कि 10 के 2, अब 2 चाहे जैसे भी है तो है ना, 2 लेकिन बहुत छोटे है ना। 15 का 1 दे रहे थे, 10 के 2 तो मैं उनसे बोला जी नहीं भैया कम करो, बोला नहीं। साहब इतने गुस्से वाले थे वहाँ पे, मतलब जवाब नहीं दे रहे थे। तुम नींबू वाले बनो। चलो नींबू कितने का है?
दस रुपए का एक कम कीजिए, दस रुपए में दो दीजिए। नहीं नहीं इतने भाव में, पर ये वाला देखिए देखिए दो दे दीजिए। नहीं नहीं जो भी है उसका ही बताना है भाव में। और वो अरे तुम और मनाओ, वो गुस्से में तो शालू के पहली बार बच्चे गए थे मंडी में खरीदारी करने तो इतना बोल रहे, दोबारा में और बोल ठीक है। 15 शॉप में जा पूरी मार्केट घूमी से 20 मिनट सा 15 15 15 तो सोना है इसको संभाल के रखो, खेलना नहीं है। पूरा नींबू पानी बनाया के पी जाएगा। शर्त जीत गए 10 के 2 लाख। आज का अम्मी का आउटफिट ये है, रोज मैं आपको अम्मी का आउटफिट दिखाती हूँ। अम्मी सब कह रहे थे अम्मी के आउटफिट बहुत अच्छे लगते हैं, यूएस यूके से लोग मैसेज कर रहे हैं। साइड से बाल निकाल लियो, अच्छे लग रहे हैं अम्मी कपड़े। टहलने जा रही है, ने आज ये पहना था फ्रेंड्स, अच्छी लग रही है। अभी इसमें वेट किया और अम्मी का 1 kg कम हो गया, मुबारक हो। मिरर साफ करियो, सबसे ज्यादा जरूरी काम है। जितने बार मैं सोचती हूँ आज आउटफिट का इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दूँ, सब डालते ना OOTD करके आज ये पहना है, और आती हूँ और देखती हूँ मिरर गंदा है। पिछले ब्लॉग में जब मैं नीचे ग्रीन सूट में बैठ के बोल रही हूँ ना, तब मुझे इतना खल रहा था कि मिरर कितना गंदा है, तो उन्हें सबसे पहले इसे साफ करना चाहिए। ऊपर से साफ हो गया है और ये नीचे से देखिए कितना गंदा हो रहा है। पता नहीं कैसे नीचे से क्यों गंदा हुआ। मैं ना सोच रही थी कि आज ही मतलब व्लॉग डाल दो, वरना फिर एक दिन लेट हो जाता है। लेकिन आज को ज्यादा व्लॉग बना नहीं, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, थोड़ा सुबह कभी कभी हो जाता है ना। अच्छा वो क्लिप मैंने इसलिए लगाई थी स्टार्टिंग में आपको दिखाने के लिए कि आप लोग सोचते हो ना कि व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स या फिर यूट्यूबर्स हमेशा तो अपनी हैपनिंग सी लाइफ दिखाते रहते हैं, बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में परेशानी ही नहीं होती है, सब कुछ कितना परफेक्ट होता है। फिर आप लोग सोचते हो अरे हमारी लाइफ ऐसी है। तो मैंने सिर्फ इसलिए लगाया था कि हम लोग भी रोते हैं, हम लोग भी परेशान होते हैं, सबकी लाइफ में, आप ही नहीं हो, जितने भी अभी आप देख रहे हो, अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, आप रो रहे हो, कुछ आपके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है, या रिलेशनशिप में या हस्बैंड वाइफ में या फैमिली में कुछ भी हो रहा है ना, तो सिर्फ आप अकेले नहीं हो, सभी के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। तो सिर्फ मैंने इसीलिए लगाया था, हमेशा खुशी खुशी तो आपको दिखती हूँ, लेकिन जब कभी रो रही हूँ तो वो भी शेयर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि ताकि आपको भी हिम्मत आए और आपको ये पता चले कि हम सब एक जैसे ही है। बातों बातों में मिरर भी साफ हो गया है, अभी शेख नमाज पढ़ रही थी, कुरान शरीफ भी पढ़ रही थी, अभी हम चलेंगे वॉक पे। ये कुछ और पार्सल्स आ गए हैं, इनको हम बाद में अनबॉक्स करेंगे, इनका फोटोशूट बाद में करेंगे, अभी चलिए जल्दी से वॉक करके आते हैं, वो भी तो जरूरी है। लेट्स गो फॉर अ वॉक। अभी मैं पी कर आता हूं पानी। इंग्लिश में बोलो। फर्स्ट आई ड्रिंक वाटर देन आई विल कम। ओके आई एम वेटिंग। रिजा लेट्स गो। रिजा कुछ तो इंग्लिश में बोलो। जा ही तो रहे थे। तो इंग्लिश में बोलो। कम। अभी इस वक्त बज रहा है, कितना बज रहा है, 11 बजने वाला है। एटलीस्ट 45 मिनट की वॉक करेंगे आज। आधे नहीं रिजा, क्योंकि ब्लॉग एडिट करके आज ही डालना है। चलो मम्मी हेलो, थक गई, इतना पसीना, मुझे पोछते भी हैं। चलो अच्छा, फेस भी तो ग्लो करता है पसीने से। ये देखिए मच्छर, ये मेरे साथ जब से बैठे, मैं यहाँ पे बैठ के एडिट कर रही हूँ, तो ये लोग कह रहे हैं हम भी एडिट देखेंगे। फ्रेंड्स अभी हम लोग ऊपर जाने लगे, हम लोग की तो बिल्कुल भी वॉक नहीं हुई, अम्मी की हो गई है, लेकिन अभी पहले मुझे वीडियो एडिट करना, उसके बाद मैं और ऐसा दोबारा वॉक पे चले जाएंगे। पूरी चूरी टैंक पी रहे हो, ये अच्छा होता है बच्चों के लिए? नहीं अच्छा होता, अच्छा होता है। चोरी पकड़ गई। हाँ कह रहा टैंक बच्चों के लिए अच्छा होता है, दूध अच्छा होता है। पूछ लेना पूछ लेना, पूछ लो, दूध अच्छा होता है। हाथ में पीता हूँ दूध, पूछो आवाज है। पार्सल आया था और मुझे लग रहा है कुछ लाइट है, तो इसलिए हम आज से जल्दी खोलेंगे, अभी के व्लॉग में सबको दिखाएंगे और अभी जलाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये मैं नीचे कर दूंगा, फिर आप लोग को यहीं सोना है। रेहान की ड्यूटी है, रेहान आजकल काम करने लगा है ना। आज अच्छा रेहान बहुत अच्छा है, और रेहान ने कल कहा था कि लड़के बहुत काम करते हैं, तो आज नहीं, अभी मैं नीचे जा रहा हूं जॉगिंग के लिए। जिस पर चैलेंज किया ही नहीं रेहान, अनपढ़ है, जा बैठ जा। सब लोगों को बहुत हंसी आई। वाह ओहो रेहान, आई एम प्राउड ऑफ यू रेहान। और ये भी करो, ये दिन भी देख लेंगे और क्या, ये दिन भी देख लेंगे जिंदगी में। हम लोग तो तुम पे बहुत ज्यादा जुर्म कर रहे हैं, चक्की चलवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वक्त 12:30 बज चुका है, रमजान का नवा दिन जो है वो खत्म हो जाता है। इस वीडियो को मैं कर रहे हैं, मैंने सोचा था आज ही बनाती हूँ और आज ही डाल देती हूँ, इसलिए बहुत छोटा सा व्लॉग बना है। आज मैंने वो कांदा भजिया बनाया था प्याज वाला, वो ठीक नहीं बना। अच्छा, ना थोड़ा सा
था लेकिन ठीक है अच्छा था। जो रेसिपी में था फ्रेंड्स हाँ। वैसे ही किया और जो बाहर का होता है बहुत क्रिस्पी होता है और आप सबने भी कहा था कि चावल का आटा डालो बहुत क्रिस्पी बनता है लेकिन हमारा टेस्ट सही था लेकिन वो कुरकुरा नहीं बना। घर जो भी था इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। कल कुछ और बनाएंगे, कल हो सकता है कहीं जाएंगे भी, जो भी होता है आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। कल 10 रोजा की सहरी है, देखो 9-10 रोजा हो जाए पता भी नहीं चले कैसे निकल गए कैसे जा रहा है दिन। वही तो ऐसी जिंदगी भी ऐसे भागती जा रही है, तो बस अच्छे काम करो, खुश रहो, टेंशन नहीं लो। और क्या करना था और क्या, बस अल्लाह हम सबके रोजे और इबादत कबूल पर। हम चलते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। अल्लाह हाफिज़। आई लव यू। मिलते हैं आपसे कल। ऐसे कर दो अपनी कैमरे में, इधर इधर जोर से, पूरा बंद कर दो कैमरा, ऐसे पूरा जोर से फोन को जोर से मारो।